बच्चों कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग ठीक होंगे आज हम पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन रेडी स्टडी स्टार्ट हेल्प रीना टू सोड द फूड फ्रॉम हर लिस्ट इन टू करेक्ट ग्रुप्स सो दैट शी कैन फाइंड दम इजिली इन द स्टोर ये आप खुद से करेंगे फूड एंड न्यूट्रींस बैलेंस डाइट फूड प्रिजर्वेशन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फूड इज द बेसिक नीड ऑफ लिविंग बींगस डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ आर डेली लाइफ इंक्लूड ईटिंग वर्किंग प्लेइंग वॉकिंग रनिंग एंड टॉकिंग टू डू दीज एक्टिविटीज आर बॉडी नीड्स नरिशमेंट वी गेट नरिशमेंट फ्रॉम द फूड वी ईट फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स टू स्टे अलाइव वर्क ग्रो रिप्रोड्यूस एंड दे स्टे हेल्दी देखिए लिविंग बींग्स की बेसिक नीड जो है वो है फूड फूड आपकी हेल्प करता है ग्रो करने में वर्क करने में ठीक है आपकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज होती हैं वो होती है ईटिंग वर्किंग प्लेइंग वॉकिंग रनिंग टॉकिंग ठीक है ये सारी एक्टिविटीज आप तभी कर पाते हैं जब आप फूड खाते हैं ठीक है फूड से आप हेल्दी रहते हैं ठीक है फूड ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ रिपेयर ऑफ आर बॉडी इट प्रोवाइड्स आस द स्ट्रेंथ कीप्स अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीजेस फूड कंटेन स्पेशल एंड यूटिलाईज फूड फॉर दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखिए फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ या फिर रिपोर्टेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी डिजीज होने से बचाता है ठीक है फूड के थ्रू हमें कुछ सब्सटेंसेस मिलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स कहते हैं ठीक है अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं एक तरीके से प्रॉपर फूड गेन कराते हैं जिसकी वजह से हम ग्रो करते हैं ठीक है क्रेजी फॉर एक्टिविटी यस सेपरेट द हेल्दी फूड आइटम्स एंड द जंक फूड आइटम्स इन द टेबल गिवन बिलो ये आप खुद से करेंगे फूड एंड न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स आर ग्रुप इन टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन फाइव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स वाइटमिन एंड मिनरल्स देखिए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं जो कि डिफरेंट चीजें परफॉर्म करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे जो टोटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फाइव होते हैं कौन कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स वाइटमिनस एंड मिनरल्स ठीक है बेस्ड ऑन दूट्रियम फूड आर क्लासिफाइड्स अब देखिये अब ये जो न्यूट्रिय है ये different, different, uh, food items में पाए जाते हैं तो इस तरीके जो फूड है फूड को भी थ्री ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स बॉडी बिल्डिंग फूड आर रिच इन प्रोटीन्स प्रोटेक्टिव फूड आर रिच इन वाइटामिन मिनरल्स ठीक है एनर्जी जो जिन फूड से हमें एनर्जी मिलती है उनमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बॉडी बिल्डिंग फूड में होता है प्रोटीन वहीं प्रोटेक्टिव फूड में होता है एंड मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये हमें क्या देते हैं एनर्जी टू डू द एक्टिविटीज प्रोटीन वाइटमिन एंड मिनरल्स हेल्प अस टू कीप अस ग्रो एंड हेल्दी एंड फिट ठीक है एनर्जी किस फूड carbohydrates carbohydrates are the nutrients which help us energy to do work they are usually needed in larger amount than the other nutrients carbohydrates give our body the energy needed for its functioning as well as the physical activities such as running swimming and playing outdoor games they contain starch and sugar food rich in carbohydrates are called energy giving foods पोटैटो सीरियल एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस एंड फूड मेड ऑफ सीरियल एग्जाम्पल ब्रेड एंड पास्ता आर रिच इन स्टार्च फ्रूट हनी मिल्क एंड मोल्ट प्रोडक्ट्स आर रिच इन शुगर पीपल लाइक स्पोर्ट्स पर्सन हुट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर मोर कार्बोहाइड्रेट टू अपडेन एनर्जी देखे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स वो न्यूट्रिएंट होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ठीक है एनर्जी मिलती है हमें दौड़ने के लिए खेलने के लिए ठीक है जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो मेनली सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हैं ठीक है कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है और शुगर होता है और स्टार्च और शुगर जिनमें जिन फ्रूट्स जिन या वेजिटेबल्स में होते हैं वो होते हैं आपके पोटैटोज सीरील्स जैसे कि वीट या राइस ठीक है सीरील्स से हमें क्या क्या मिलता है ब्रेड बनती है सीरील से पास्ता बनता है ठीक है और फ्रूट्स हनी मिल्क मोल्ट ये सब क्या होते हैं इन सब में क्या होता है शुगर ज्यादा होता है ठीक है जिन फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है उन फूड को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स ओके क्रेजी फॉर एक्टिविटी यस ऑब्जेक्टिव टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन पोटेटो वॉट टू डू टेक अ बाउल एंड अ बॉइल्ड पोटैटो मैश इट एंड ड्रॉप सम आयोडीन सोलूशन ऑन इट वी विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द पोटैटो टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑब्जर्वेशन this shows the presence of carbohydrates in potatoes yep, khud se fats fats are also energy giving nutrients fats keep our body warm and give us more energy and carbohydrates they are important for healthy skin and hair oil nuts butter and meat are rich sources of fats our body stores extra fat for future use however too much fat is not good for us कंजूमिंग फैट्स इन एक्सेस क्वांटिटी इन आर डाइट कैन मेक अस ओबीस देखिए फैट जो है वो एनर्जी विंट होता है ठीक है फैट हमारी बॉडी को वॉर्म रखता है हमें एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ ठीक है यह हमारी स्किन और हेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेल्दी रहते हैं इससे हमारी स्किन और हेयर यह हमें किस से मिलता है फैट हमें मिलता है ऑयल से नट से बटर एंड मीट से ठीक है अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इनटेक करेंगे तो इससे हम ओबीज ओबीज मतलब के मोटे भी हो सकते हैं ठीक है इंफॉर्मेशन लिटरेसी बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स फूड मेनी हाइबरनेटिंग एनिमल्स स्टोर फैट इन देयर बॉडीज वेन दे हाइबरनेट एग्जाम्पल बियर फ्रोक टर्टल लिजर्ट देखिए कुछ हाइबरनेटिंग एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि हाइबरनेशन क्या होता है वो एनिमल्स जो कि विंटर में सो जाते हैं ठीक है बहुत सारा फूड इनटेक करते हैं एंड देन विंटर्स में वो लॉन्ग स्लीप लेते हैं ठीक है अब इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उनके वो बहुत ज्यादा फैट स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडीज में ठीक है जैसे कि फ्रॉग टर्टल लिजर्ट प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प अस टू ग्रो दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स फिश एग्स मीट चीज पल्स एंड बीन्स आर रिच इन प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर नीडेड टू रिपेयर एंड बिल्डिंग ऑफ मसल ऑल्सो ग्रोइंग चिल्ड्रेन रिक्वायर मोर प्रोटीन्स एंड शुड देयर फॉर इट लॉट्स ऑफ प्रोटीन रिच फूड देखिए प्रोटीन्स वो न्यूट्रिय होते हैं जिससे आपको हेल्प मिलती है ग्रो करने के लिए ठीक है और जिन फूड जो फूड हमें प्रोटीन देते हैं वो कौन कौन से होते हैं फिश हो गए एग मीट चीज पल्सिस बीन्स इन सबसे आपको प्रोटीन मिलता है इससे आपकी जो स्किन आपकी जो मसल्स है वो रिपेयर होती हैं एंड ग्रो करती हैं ठीक है रिसर्च स्किल्स हेयर इज मेड ऑफ प्रोटीन कोल्ड कैरेटीन जो हेयर है वो प्रोटीन से मिल बनते हैं और उस प्रोटीन का नाम है कैरेटीन ठीक है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स फूड वाइटमिन एंड मिनरल्स वाइटमिन आर द न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प आर बॉडी टू फाइट डिजीजेस मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स ब्लड एंड टीथ Fresh fruits, vegetables, milk, meat and fish are rich in vitamins and minerals. They are also known as protective foods. Because they help us to stay healthy and fit by increasing the body's ability to fight diseases, our body needs small quantity of vitamins every day. Different minerals are responsible for different works. Calcium, iron, iodine, potassium and sodium are some example of minerals. Deekhe, vitamins are... वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं डिजीज से लड़ने में ठीक है मिनरल्स हमें जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के पार्ट्स जैसे कि बोन्स ब्लड और टीथ इन सब चीज़ों को हेल्दी रखते हैं ठीक है फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल मिल्क व्हीट एंड फिश ये इस तरीके के आपके फूड हैं जो कि रिच होते हैं वाइटाम्स और मिनरल्स में अब क्योंकि मिनरल्स और विटामिन हमें डिजीज से लड़ने के लिए ग्रो करते हैं हमें स्ट्रांग बनाते हैं इसीलिए हमें डेली मिनरल्स लेने ही चाहिए अपने फूड में ठीक है वाइटामिन ए मिल्क बटर एग्स कैरेट स्पिनच फंक्शन इट कीप स्किन हेल्दी एंड इम्प्रूव आईसाइट विटामिन बी मिल्क पीज स्पिनच मीट सी फूड इट रिक्वायर्स द वेरियस बॉडी

वो आपको मिलता है मिल्क बटर एग्स कैरेट स्पिनिच इन सब से और ये आपकी हेल्प करता है आपको हेल्दी रखने में और आपकी आईसाइट को इम्प्रूव करने में वाइटामिन बी आपको मिलता है मिल्क पी स्पिनिच मीट एंड सी फूड से ये आपकी बॉडी के वेरियस फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन सी जो है आमला टोमेटो सिट्रस फ्रूट्स ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स इन सब से मिलता है और ये जरूरी होता है इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए आपके गम्स और टीथ के लिए ठीक है वाइटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट मिल्क बटर वेजिटेबल होल ग्रेन से और ये इम्प्रूव करता है हमारी बॉडी में कैल्शियम को वाइटामिन ई e हमें मिलता है वेजिटेबल ऑयल मिल्क बटर होल ग्रेन से और ये हमारे डैमेज सेल को प्रोटेक्ट करता है वाइटामिन के हमें मिलता है स्पिनिज कैबेज और सोयाबीन ऑयल से और ये हमारी ब्लड क्लोटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है ठीक है एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स मिनरल्स एंड सोर्सेज कैल्शियम मिल्क चीज ग्रीन वेजिटेबल्स सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट मोस्ट फूड आइटम्स फॉस्फोरस ब्रेड चीज पोटैटो मिल्क एग मीट आयरन सीरियल पल्स ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स मीट एग्स लीवर आयोडीन सी फूड आयोडाइज सोल्ट देखिए कैल्शियम कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क चीज ग्रीन वेजिटेबल से सोडियम एंड पोटेशियम हमें मिलता है सोल्ट मोस्ट फूड आइटम से फॉस्फोरस हमें मिलता है ब्रेड चीज पोटैटो मिल्क एग से आयरन हमें मिलता है सीरियल पल्सेस ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आयोडीन हमें मिलता है सी फूड एंड आयोडाइज सोल्ट से रफेज रफेज इज द इनजस्टिबल फाइबरस पार्ट ऑफ द फूड द स्किन ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल गवावा पियर सैलड सीरियल एंड लीफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ रफेज द फाइबर इज ऑल्सो नोन एज रफेज इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी हेल्पिंग इन प्रॉपर फंक्शनिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम देखे रफेस जो होता है वो एक इनजेस्टिबल फाइब्रस होता है फूड का ठीक है ये हमें मिलता है गुआवा पियर सैलेड सीरी लीफी वेजिटेबल्स इन सबसे मिलता है और इसका काम क्या होता है इसका काम ये होता है जब आप इसको इनटेक करते हो बॉडी में और आपकी बॉडी में जो वेस्ट होता है वो निकल आता है ओके okay? वॉटर बॉडी इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर वी शुड ड्रिंक सिक्स एट ग्लासेस ऑफ वाटर देखें हमारी जो बॉडी है वो सेवेंटी परसेंट पानी से ही बनी है ठीक है बेटर डाइजेशन के लिए और वेस्ट को बाहर निकालने के लिए पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको एटलीस्ट सिक्स टू एट ग्लास ऑफ वाटर एक दिन में पीना चाहिए ठीक है क्रेजी फॉर एक्टिविटी यस वट डिड यू हैव इन योर लंच यस्टरडे राइट द डिफरेंट फूड आइटम्स यू एट एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड इन द टेबल गिवन मिलो ये आप खुद से करेंगे बैलेंस डाइट अ डाइट कंसिस्टिंग ऑफ प्रॉपर क्वान्टिटीज ऑफ न्यूट्रिय नीडिड टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड ग्रोथ इज कोल्ड बैलेंस डाइट वी नीड टू टेक ईच काइंड ऑफ न्यूट्रिय इन प्रॉपर अमाउंट एवरी डे ऑफ आर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली वी नीड टू टेक अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिय इन द राइट अमाउंट ईटिंग टू मच और टू लिटल ऑफ एनी न्यूट्रिय कैन कोज डिजीजेज बैलेंस डाइट क्या होती है बेटा बैलेंस डाइट होती है वो डाइट जिसमें आपको ऑल द फाइव न्यूट्रिएंट्स मिले ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स मिनरल्स वाइटमिन ये सारी चीजें आपको मिले ओके वो एक प्रॉपर डाइट कहलाती है एक प्रॉपर डाइट आपके लिए इसलिए जरूरी होती है ताकि आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी किसी चीज की कमी ना हो ठीक है और अगर आप ओवर ईट करते हैं तो फिर वो भी आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है क्योंकि उससे आपको हार्ट डिजीजेस

The process of treating food in a certain way to avoid spoilage and store food for a longer time is called preservation. Food is valuable, therefore, it is necessary to preserve it from spoilage. It is done by removing the water content of food drying, keeping the food in freezer, deep freezing, mixing of fruits and vegetables with salt and oil, pickling, and by storing them in cans and bottles, canning and bottling. Deke. Food preservation. फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है फ़ूड को बचाना ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं वो ख़राब ना हो जाए इसके लिए आप क्या करते हैं उनको फ्रिज में रखते हैं ना फ्रीज़ करके रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो ऐसे ही बाकी लोग क्या करते हैं काफ़ी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको ऑयल के साथ पिकल करके रखते हैं पिकलिंग मतलब अचार डाल के रखते हैं उनका ठीक है और फूड को ड्राई करके भी रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो ठीक है सन रेज में ड्राई किया जाता है उन्हें ताकि वो जल्दी खराब ना हो और उनको स्टोर हम बॉटल्स या कैन्स में भी स्टोर कर करके रख सकते हैं ठीक है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स वी शुड फॉलो सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स ईट अ बैलेंस डाइट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे यू फूड वेल एंड डू नॉट स्वेलो इट हैस्टिली रिंस माउथ वेल आफ्टर मील्स फूड शुड बी क्लीन फ्रेश एंड वेल कुक्ड। देखिए कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए जैसे कि आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए ठीक है आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट फॉलो करनी है आपको बहुत सारा पानी पीना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं आपको हर दिन और अपने खाने को प्रॉपरली च्यू करना है ठीक है आपको जल्दबाजी में खाना नहीं खाना है ठीक है आपको अपने माउथ को प्रॉपरली क्लीन करना है कोई भी मील खाने के बाद ठीक है और आप अपने खाने को क्लीन रखिए फ्रेश रखिए और प्रॉपरली है? सिविक लिटरेसी ईटिंग अ बैलेंस डाइट कैन मेक यू हेल्थी यू शुड एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट एंड फाइन योगा ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग यू फिजिकली फिट एंड मेंटली हैप्पी एंड रिलेक्सड यू शुड ऑल्सो अवॉइड

फर्स्ट थिंग दूसरी चीज आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो फिट रहती है ठीक है जैसे कि योगा करनी चाहिए ठीक है वो आपको मेंटली फिट भी रखती है मेंटली हैप्पी भी रखती है ठीक है आपका जो खाना है कभी भी आपको अनकवर्ड फूड नहीं खाना है उसमें जर्म्स हो सकते हैं स्ट्रीट फूड्स नहीं खाना है उसमें भी जर्म्स हो सकते हैं इसीलिए आपको सिर्फ वही खाना खाना है जो आप घर पर पका रहे हैं प्रॉपरली हाइजीन में और वो खाना जो आप कवर करके रखते हैं ओके रीड एट अ ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी टू डू वर्क टू ग्रो एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस न्यूट्री एंटर कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन वाइटमिन मिनरल वॉटर एंड रफेज आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर द बॉडी कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू वर्क फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट एंड कीप आर बॉडी वॉर्म प्रोटीन help us to grow vitamins help our body to fight diseases mineral help in the formation of our body components like bones blood and teeth water is essential for proper functionings of our body fiber is essential for our digestion some methods of food preservation are drying salting freezing canning and boiling key terms to know nutrients substances that provide energy for functioning and survival of body nutrition the process by which living beings obtain and utilize food for their growth and development carbohydrates nutrients that are the main source of energy for the body proteins nutrients that are essential for the growth repair and maintenance of the body fats nutrients that are important source of